हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक शूफ, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जब किसी देश का कोई नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, डिक शूफ, नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो 2 जुलाई 2024 को डिक शूफ ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो हमारा जो चॉइस होगी या जो हमारा सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिक शूफ। अब नीदरलैंड में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो नीदरलैंड में प्रधानमंत्री को शपथ दो है वहां के राजा दिलाते हैं। तो नीदरलैंड के राजा कौन है? तो नीदरलैंड के राजा जो है विलेम अलेक्जेंडर है। तो विलेम अलेक्जेंडर ने डिक शूफ को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। अब बात यह आती है, शूफ ने किसको रिप्लेस किया है, किसका स्थान लिया है? तो शूफ ने मार्क रूट का स्थान लिया है। अभी पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मार्क रूट अब क्या हो जाएंगे। तो मार्क रूट जो है वो अक्टूबर 2024 से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के नए महासचिव होंगे। कब से होंगे? अक्टूबर 2024 से होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से क्या और फ्रेम हो सकता है, वो ये हो सकता है कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री जो अक्टूबर 2024 में नाटो के नए महासचिव बनेंगे, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? वहां पर हमारा उत्तर होगा मार्क रूट। डिक शूफ का संबंध किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है और वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और वो वर्ष 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अब नीदरलैंड कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड उत्तर पश्चिम यूरोप में उत्तरी सागर के तट पर स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। एक जीके एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रतियोगिता साहित्य की करंट हिंदी अफेयर्स मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।